गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहिश कटारे आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप क्योंकि हमने संक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको ना सिर्फ एक क्वेश्चन करा दूँगा उसके गुणनफल का, वैसे मैंने उस दिन भी कराया था और आज ही मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसका, मल्टीप्लीकेशन मतलब आवयव के गुणनफल का। उसके बाद हम चलते हैं परिवर्त, आवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेगा। तो देखिए यहाँ 5.3 है एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो मैट्रिक्स दी गई है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स देखिए आपने क्या क्या दी है, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दी है 1, 2 और 5, ठीक है। ऐसे ही दे रखे हैं आपको 3, 4 और 6। ये एक क्या दी है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही बी भी, बी एक मैट्रिक्स है, बी देख लो आपने क्या दे रखा, बी किसके इक्वल है, ये है 4 और 1। ऐसे की एक ऑप्टी मैट्रिक्स है ना, ये इसके जो एलिमेंट है ये हो जाएगा 0, 1 और 5। अब मैंने आपने बताया था कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं यानी कि इस मैट्रिक्स की आपसे 40, आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स की 40 को देखना है। और मैंने बताया था कि पहली जो मैट्रिक्स होगी यानी कि पहला जो अवयव है उसका कॉलम और दूसरी जो आवी है उसकी पंक्तियों जो होती है वो समान होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखिए आप, ये ऑर्डर देखा आप, इसमें कितनी रो है, क्योंकि ये आपका जो ऑर्डर ही है 2/3 का ऑर्डर है, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 3/2 का ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पर देखें कि पहले वाले की जो रो है वो दूसरे वाले कॉलम के बराबर है, यानी कि इसका मतलब है कि आपके जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकते नहीं, मतलब दो मैट्रिक्स की गुना हो सकते हैं या नहीं हो सकती। अब देखिए हम ए डॉट बी निकालते हैं, इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी ए है, ये हो जाएगा 1, 2 और 5, ऐसी भी आपका 3, 4 और 6। प्रोडक्ट लगाया आपने, ठीक है, मैट्रिक्स बी को भी यही निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा 4, 2 और 1, ये हो जाएगा आपका 0, 1 और 5। ये मैट्रिक्स आपकी रो, आपको देखना है पहली रो उठाने ये वाली रो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ आपको बनानी है, ठीक है। तो जैसे हम देखें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और संगत एलिमेंटों के साथ गुणा करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, इस वन की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करो पहले, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 4, बीच में आपको प्लस लगाना है, 2 × 2 ऐसे 5 × 1 के साथ प्लस 5 × 1, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करनी है आपको, ये हो जाएगा 1 × 0, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 2 × 1 प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। ऐसे आप रो, ये वाली रो लो, आप दूसरी रो, इस दूसरी रो की भी मल्टीप्लाई क्या करना है, दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप करो देखो 3 × 4 के साथ ये हो जाएगा 3 × 4, फिर 4 × 2 के साथ प्लस 4 × 2 हो जाएगा, बीच में फिर से प्लस, 6 × 1 होगी 1 के साथ, ये हो जाएगा 6 × 1, ठीक है भाई। इतना ख़त्म हो चुका है यहाँ पर आपका। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ में करते हैं, ठीक है। जैसे 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आपको, 0 के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 4 × 1, फिर 6 की मल्टीप्लाई आपको 5 के साथ प्लस 6 × 5, और ये मैट्रिक्स आपकी क्लोज हो गई है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया, अब जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का देखिए आंसर जो आएगा, ठीक है। अब हमारी जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई हमारे पास, देखो 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस 5 × 5, ऐसे
एक्सिस में देखो, वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो एकम, दो प्लस दो प्लस पन्ने पन्ने आपके हो जाएंगे 25, ठीक है। ऐसे ही तीन चौक 12, चार दूनी 8 और प्लस 6 एकम 6, ठीक है। ऐसे ही तीन जीरो जीरो हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 20। तो अब जो आपकी मैट्रिक्स आई है ये ए प्रोडक्ट बी जो आया आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी देख लो, 4 और 4 8 और 5 13, ठीक है। ऐसे आप देखो 12 और 8 20 और 6 26, आप यहाँ पे देखो 25 और 2 27, 30 और 4 34, ठीक है। तो ए बी का जो प्रोडक्ट आया वो ये है, मैट्रिक्स कितने की है, 2 बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स जब आपको दी है उनका गुणनफल पूछे तो आपको इस तरीके से उनका गुणनफल निकालना है। और उससे पहले भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम इस मैट्रिक्स का गुणनफल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा, इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको गुणा ही करनी है, दो मैट्रिक्स को ही गुणा करनी है। अब अगले टॉपिक है हमारा आवयू का परिवर्तन। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं, आवयू का परिवर्तन, है ना, आवयू का परिवर्तन। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखो आवयू का परिवर्तन यहाँ पे आया है, है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर मैट्रिक्स, ट्रांसफर मैट्रिक्स, अब देखो कि आवयू का परिवर्तन होता क्या है। यदि हमारे पास कोई आवयू है, यदि उस आवयू के हम क्या करें, पंक्तियों को रो बना दें, ठीक है, पंक्तियों को आप क्या कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यानी कि क्या करना है, जितनी भी रो थी उन्हें कॉलम बनाना है, जितनी भी कॉलम थी उन्हें रो बना दे, तो हमारा क्या निकलता है, परिवर्त, आवयू का परिवर्त निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यदि यदि किसी आवयू में, ठीक है, आवयू में रो तथा रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल दें, ठीक है, बदल दे, तो यह आवयू का परिवर्तन कहलाता है, आवयू का अच्छा एक बात और कि इसे यानी कि आवयू के परिवर्तन इसे ए के ऊपर डैश या ए के पावर बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भाई।
अब व्यू का परिवर्त क्या होता है कि यदि रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, ठीक है, इतना काम किया आपने और उसके बाद क्या कर दिया, तो ये अब व्यू का परिवर्त कहलाता है। अब व्यू के परिवर्त को ए डैश या फिर ए की पावर टी से हम प्रदर्शित करते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू आप बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एक एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो कि माना एग्जांपल है भाई, ठीक है, माना ए कितना दे रखा है हमें, आप ये लो ए दे रखा है, एक दो और तीन, ये होगा चार पाँच और छः। ऑर्डर बताइए इसका मैट्रिक्स कितना है, दो गुणा तीन का। अगर मुझे ए निकालना है आप व्यू का परिवर्त, आप व्यू के परिवर्त को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो आप व्यू का परिवर्त होगा देखिए आपको क्या होगा, ये क्या है आपकी एयर होगा, इनके पहली पंक्ति है और ये क्या आपकी रोड है इनके दूसरी पंक्ति है। अब रो को हमें क्या करना है, कॉलम बना देना है, तो करना कुछ नहीं है, ये रो उठाई, इस रो को आपने कॉलम बना दिया, यानी कि एक दो और तीन, ऐसे इस रो को उठाओ आप, इस रो को भी कॉलम बना दो, कितना हो जाएगा चार पाँच और छः। तो ये जो आया हमारे पास यही हमारा क्या हुआ, आव्यूह का परिवर्त हुआ, आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकली और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा तीन टू, ठीक है भाई। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप इसका। अब देखिए इसमें ना एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है कि यदि यदि आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त बराबर हो जाए आव्यूह के, यदि आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर हो जाए तो इसे देखो क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त का देखो ए की पावर कितना होता है टी, या फिर किससे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो बराबर आ जाता है ए, तो उसे बोलते हैं हम सममित मैट, सममित आव्यूह, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। सममित आव्यूह कहलाता है यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यदि आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है तो हमारा सममित मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी, ठीक है। और सेकंड आपकी प्रॉपर्टी सेकंड वाली है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यदि आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है ए डैश या फिर ए टी बराबर आ जाए किसके, माइनस आव्यूह के, ठीक है। माइनस ए मतलब है ये जो ए मैट्रिक्स की पहले, यानी कि आव्यूह में क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसे बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स कहा जाता है, ये कंडीशन, ठीक है। तो इसे विषम आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। क्या भाई इसे क्या कहा जाएगा, विषम सममित आव्यूह, और इंग्लिश में से बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो आज आप क्या करोगे, आज आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना, और कल हम क्या करते हैं, कल हम इसकी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।